अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं नवाए इंसान। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी ख़बर तहरीक लबैक पाकिस्तान की जानब से है, जिसकी मुश्किलात कम होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। हुकूमत है कि हठधर्मी से बाज नहीं आती और तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। उनके जज्बात, उनके एहसासात और उनकी अफरादी कुव्वत में आए दिन इजाफा देखने को मिलता है और उनके हौसले भी आसमान को छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत है जो हवास बाख्ता नज़र आती है और एहसास कमतरी का शिकार है। जी नाज़रीन, ISI के चीफ की तैनाती के बाद से पाकिस्तान के मुल्की हालात की तस्वीर कुछ बदलती हुई नज़र आ रही है। यही पुलिस जिसने पिछली दफ़ा जब साद हुसैन रिजवी साहब को गिरफ़्तार किया गया था तहरीक लबैक पाकिस्तान को नाकाम करने के लिए इन पर लाठीचार्ज किया था, इन पर कोड़े बरसाए गए थे, रियासत का जबर था और पुलिस ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। अब पिछले 15 दिन से तहरीक लबैक पाकिस्तान मुल्क के मुख्तलफ हिस्सों में धरना दिए हुए है, पुरअमन एहतजाज कर रही है। पुलिस है कि अब उस तरह से एक्शन में नहीं आ रही, हुकूमत बुखलाहट का शिकार नज़र आती है। लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ है तहरीक लबैक पाकिस्तान के लिए वो ये है कि पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो तहरीक लबैक पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हुए हाफिज साद हुसैन रिजवी समेत जो दीगर कारकुन और मजलसे शुरा के मेंबर्स हैं उनको रिहा करने का हुक्म दे चुकी है। जबकि हुकूमत अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आती, वो आए दिन कोई नए से नया केस तहरीक लबैक के ख़िलाफ़ दायर कर देती है। इसी सिलसिले में आज जुमे के बाद इस्लामाबाद की जान मजलिस शुरा के मेंबर्स ने ये फ़ैसला किया और ऐलान कर दिया कि हम इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। और दूसरी जो बड़ी ख़बर है वो ये है कि इस वक्त की अपोजिशन जमातें जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सर फहरिस्त है, ये इस वक्त महंगाई के ख़िलाफ़ मुल्क भर में एहतजाज करने जा रही है और आज जुमे के बाद पेशावर, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद में इनके बड़े इतमाद थे और हुकूमत के ख़िलाफ़ महंगाई के ख़िलाफ़ धरने और जलूस थे। और इसी तनाजर में हुकूमत का जो सोशल मीडिया नेटवर्क है वो इन सारी चीज़ों को जोड़ता हुआ दिखाई देता है। वो कहता है कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सारा कुछ करवा रही है और बाज़ जज्बाती लोग, तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के नौजवानों और आला ओहदेदारान के ख़िलाफ़ ज़बान दराज़ी करते हुए ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं। ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो कारकुन हैं ये रा से फंडिंग ले रहे हैं, इनकी तमाम तर जो डायरेक्शंस हैं वो रा की तरफ से हैं। और एक और शाम से आज तकरीबन 4 बजे से एक मैसेज सोशल मीडिया पर वॉइस मैसेज वायरल हुआ है जो कि बज़ाहरन पुलिस ऑफिसर की जानब से है कि आला पुलिस ऑफिसर की जानब से कि तहरीक लबैक पाकिस्तान TLP को कोई भी पुलिस अहलकार नहीं रोकेगा, इनके रास्ते में रोड़े नहीं उठकाएगा, मुज़ाहमत नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी जगह पर सिचुएशन ख़राब होती है तो वहाँ पर आला ओहदेदारान को ही बताया जाए, ना कि ख़ुद उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। उन्होंने कहा कि तहरीक लबैक पाकिस्तान को रास्ते में कोई मुश्किलात पैदा ना की जाएं, वो इस्लामाबाद आते हैं तो उनको आने दिया जाए। दूसरी जानब जब हम देखते हैं रियासती मशीनरी वो इसके बरक्स काम कर रही है। आज हमने लाहौर में देखा मुख्तलफ रास्ते बंद थे जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना था। इसके साथ साथ मैं बताता चलूं कि इस्लामाबाद
और कुर्बो जवार के जो शहर हैं वहाँ पर भी ट्रैफिक के मसाइल देखने को मिले और सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह से जंग भी छिड़ी, जिस पर हामिद मीर ने एक ट्वीट किया कि ये बच्चे दरबदर फिर रहे हैं, इनकी तालीम का हर्ज हो रहा है। जिस पर तहरीक लबैक पाकिस्तान के कुछ लोगों ने इस तरह से उसका जवाब दिया कि ये तमाम लफाफा सहाफ़ी हैं, जब इनका दिल चाहे जिस मर्जी जमात की तरफ चल देते हैं, लेकिन जब ख़त्म नबूवत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की बात आती है तो इनके बच्चों को, स्कूल के बच्चों को तलीम याद आ जाती है। क्या ख़त्म नबूवत के वक़्त ही? जब एक और सवाल उठाया किसी तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुन ने, उन्होंने कहा जब इमरान खान ने पार्लियामेंट के सामने अपने गीले कपड़े धो करके फैला दिए थे तब ये हामिद मीर साहब कहाँ थे? इन्होंने तब ये आवाज़ क्यों नहीं उठाई कि यहाँ पर स्कूल के बच्चों ने गुजरना है? इमरान खान का जो धरना था, इसी तरह शेख रशीद साहब का एक वीडियो क्लिप वायरल है जिसमें शेख रशीद साहब कहते हैं कि अगर हुकूमत ने होश के नाखन ना ली है तो तहरीक लबैक पाकिस्तान मुल्क का जो पहिया वो जाम कर देगी और पूरे मुल्क में ये फैल जाएगी, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी कि ये तहरीक लबैक के पीछे कौन है। आज वही शेख रशीद साहब इस वक्त इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर दाखला हैं और तहरीक लबैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। जी नाज़रीन, हम कोशिश करते हैं मौजूदा और आने वाली तमाम तहरीक लबैक पाकिस्तान की जो अपडेट्स हैं उनसे आपको आगाह करते जाएं। इसके लिए, ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। जज़ाकअल्लाह।